मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है? हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें, अपनी भूल को पहचाने, उसे समझे, उसे सुधारने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखे। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। तो इससे दुखी ना हुई, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखे। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता, इसकी डालियों पर बैठे पंछी इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं, प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है, इन पर पुनः नन्नी नन्नी सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गया। राधे राधे। आइए, आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चतुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं, और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं, तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? कि हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझ कर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। राधे राधे। सोचिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता?
नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं, और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाए, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भाग, क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। ये मोती देख रहे हैं, शुभ्र, श्वेत, ओजस्वी, और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारी में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है, और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन, इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता, एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। राधे राधे। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य करने के लिए इसे किसी को सौंप देते हैं, अब वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ देता है, या ठीक से नहीं कर पाता। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, आप क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उसे डांट लगाते हैं, उसके पश्चात उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप स्वयं जुट जाते हैं, और अंततः वो कार्य पूर्ण हो ही जाता है। अब इसमें समस्या उस व्यक्ति के प्रयास की नहीं थी, समस्या आपने जो उस व्यक्ति के प्रति आस रखी उसकी थी। हम दूसरों के प्रति अपनी आस को प्रथम सीढ़ी बना लेते हैं, और स्वयं पर विश्वास को अंतिम सहारा। इसके स्थान पर होना यह चाहिए कि स्वयं पर विश्वास को हमें प्रथम सीढ़ी बनानी होगी, उसे अपना सहायक मानना होगा। यदि ऐसा करोगे तो परिणाम और भी सुख और भी आनंददायी होंगे। स्मरण रखिएगा, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहाय और कोई नहीं, इस संसार में आपका सबसे बड़ा तारणहार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। राधे राधे। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी।
मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गई हमारे साथ रही, उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गए। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही, हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। आइए इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं, सबसे स्वादिष्ट फल कौन सा है? अब कोई कहेगा आम तो कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा अमरुद, और क्यों नहीं, अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना स्वाद है। कोई ये भी कह सकता है कि भाग्य से जो भी फल मिले वही सबसे अच्छा। अब रुचि चाहे जो भी हो, जैसी भी, सबसे मीठा फल वही जो परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो। अब देखिए, तिनका तिनका जोड़कर, पाई पाई जमाकर अपनी स्वयं की एक कुटिया बनाना, उसमें रहना, वाह, इसका आनंद ही कुछ और है। और इसके समक्ष बड़े बड़े महलों का सुख फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बड़ा ही सीधा साधा है। जब आप परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपना सारा समय उसमें निवेश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, उसके पश्चात आपको ये फल मिलता है, तो इस फल का मूल्य तो आप जानते ही हैं। स्मरण रखिएगा, परिश्रम अमूल्य है, इसलिए इससे मिला फल भी अतुल्य है। तो परिश्रम करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, इस फल को प्राप्त करते जाइए, अपने इस जीवन में इस फलता को प्राप्त करते जाइए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है, और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है, इसे पहले पहचान। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। राधे राधे। कैसे हैं आप? पूछने का कारण ये कि आज के समय में आसपास किसे भी देख लो, दुखी, व्याकुल, सोचता है कि संसार में सबसे अधिक दुख उसी के जीवन में, सबसे अधिक समस्याएं उसी के जीवन में। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं, किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी बुझाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं,
ये कभी मत कीजिए, कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात संयम रखें, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। राधे राधे। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो भी ये सब करें, मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार निसंदेह इसमें बहुत शक्ति होती है, किंतु ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उस मंत्र में छिपी सीख आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारें, उस सीख को आप कर्मों में परिवर्तित करें, प्रेम से इस सद्ज्ञान को अपने जीवन में लाएं, इसका प्रयोग कीजिए, तब मिलेगी आप इस मंत्र की शक्ति, अन्यथा ये मंत्र पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, मंत्र की शक्ति उसे बोलने में नहीं, उसे अमल करने में। कितनी शान सौम्य शीतल होती है एक बहती नदी, आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव, जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे, किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखे, आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। राधे राधे। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है, अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू, किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार, अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता। अब श्रद्धा इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन करने। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर, ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था ना चली जाए। राधे राधे। स्वप्न, हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उन्हें पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, किंतु ये स्वप्न पूर्ण ना कर पाने की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर ये बोझ हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम ना बन सके हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके हमारी संतान अवश्य पाए। ये विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता,
किंतु ये भूल है और यही भूल हम कर बैठते। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छिपा है। तनिक गौर से देखिए तो सही, आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं, इसलिए अपने संतान के साथ रहें, समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए, किंतु प्रेरणा दीजिए उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने, उसके स्वयं के स्वप्न पूर्ण करने, ना कि अपने अधूरे स्वप्न पूर्ण करने। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। राधे राधे। दूध और माखन, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है, तो आप क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया, तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला, ये कीट दूषित है, और यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ, तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका। राधे राधे। अपने जीवन में कभी ना कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते। आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना? कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा ही। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा ही, और दुगना लौट कर भी आएगा इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। इसे कौन नहीं पहचानता, ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। जैसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए,
ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाए तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पाने के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें, क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाशपुंज हो किंतु ये दोनों भिन्न है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं, ये आपके लिए लाभदायक नहीं। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण आपकी महत्ता बहाएंगे। राधे राधे। जीवन में सभी महान बनना चाहते हैं, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बनते कैसे हो? ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज नहीं, ये बरगद का बीज, इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है। किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिए, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सके, किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। राधे राधे। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता।
भगवान की मूर्ति भी नहीं। राधे राधे। तितली आकाश में सैर करती, सुंदर फूलों का रस स्वादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता। सत्य तो ये है कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपनी खोल में होती, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। इस संसार देखने के लिए, इस सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा, इनके बंधन ना तोड़े, तो वो जीवित तो रहे किंतु जीवन जी नहीं पाए। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा, तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। राधे राधे। दीपक, इस दीपक को प्रज्वलित करने में किसकी आवश्यकता होती है? बाती, घी, सिंगार, बस नहीं। वास्तविक सत्य तो ये है कि इसको प्रज्वलित करने में वायु का भी योगदान होता है। वायु जो ना केवल हमें प्राण देती है, इस अग्नि को भी प्रज्वलित करने में सहायता करती है। अब देखें, देखा, जिस वायु ने इस अग्नि को प्रज्वलित किया, उसी ने इसे बुझा दिया। बस उस वायु की गति तनिक अधिक थी, है ना? अर्थात प्रत्येक भाव का, हर वेग की एक सीमा होती है, जिसे लांघना नहीं चाहिए। उस सीमा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। अब कभी कभी जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी सहायता करते 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 हम उन्हें दुर्बल बना देते हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी इतनी ही सहायता कीजिए कि वो उनके लिए प्रेरणा बन सके, अन्यथा ये सहायता नहीं होगी, ये उनके लिए शस्त्र बन जाएगा। राधे राधे। मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे, सह नहीं पाता, सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है, तो दुखी हो जाता। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, वो पहले ही आपसे दो कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर भी आप उनसे दो कदम और आगे बढ़े। क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़, जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी, जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साथ।
और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं? कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात, मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं, किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती है, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती। आप भी सुनिए अपनी हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को, और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए। राधे राधे। प्रेम, दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या? माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है? अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान, किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता अपने अनुभव को लेकर। देखिए ये प्रेम, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है, ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पर मुस्कान ला देती है, प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है, प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है, ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे, ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे, ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। मनुष्य में एक विशेषता है, और वो ये कि वो सदैव यही सोचता है कि सब में वही विशेष है, सदैव सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाना चाहता है, सदैव चाहता है कि हर स्थान पर उसे ही यश मिले। किंतु जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम एक ऐसा विशेष भाव है जो मनुष्य से कहीं अधिक है।
प्रेम में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति की प्रसन्नता आप सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उस व्यक्ति से यदि हार जाओ तो मुख पर कड़वाहट नहीं, होठों पर मुस्कुराहट आती। जिसे आप प्रेम करते हो यदि उसे हरा कर आप जीत रहे हो तो ये जीत नहीं, ये सबसे बड़ी हार। तो अब चयन आपका है, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो या आप चाहेंगे कि आपकी जीत हो? राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता, बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंगवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपने प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थ, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना, त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा, दुख उसको छूपता रहेगा। वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। राधे राधे। ईश्वर, जब भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं ईश्वर से ये अवश्य मांगते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, इन संकटों से, इन कठिनाइयों से हम सदा दूर रहें। किंतु ये बहुत बड़ी भूल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, भला ईश्वर से, संकटों से दूर रहने की कामना करना ये भूल कैसे हो? क्योंकि ये संकट, ये कठिनाई जिनसे हम दूर भागते हैं, जो संकट कुछ ही समय के लिए आता है और फिर जाने के पश्चात आपको अपने सगों, आपके हितैषी, आपके मित्रों की परख करवा देता है, आपकी सोई हुई समझ जगाता है, आपको और भी बलवान बना देता है, ये संकट जिससे हम दूर भाग रहे हैं, यदि हम इन संकटों का सामना करना सीख जाए, इस अनुभव से सीखना, आत्मसात कर, ये जीवन और भी अधिक आनंदमयी हो जाएगा। तो अब से जब भी ईश्वर को स्मरण करें, संकटों से दूर रहना नहीं, संकटों का सामना करने की शक्ति मांगे, स्वप्न देखें और निडरता से उसकी ओर बढ़े, ये स्वप्न अवश्य सच होगा।
राधे राधे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में, ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले, उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। राधे राधे। ये संसार, इस संसार के अंत का, इसके विनाश का प्रारंभ कैसे होता है? किसी योग से, किसी भयानक असुर के आगमन से, या प्रकृति के रूठ जाने से? नहीं, इस संसार के विनाश का प्रारंभ होता है मैं से। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आदि इत्यादि। ये भाव जब मन में घर कर लेता है, सर्वप्रथम घर बटता है, फिर बस्ती, फिर प्राण, और फिर देह, और अंत में समस्त संसार बट जाता है। और ये बंटवारा कहीं ना कहीं मन मोटाव कर ही देता। अब ऐसे में क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इस नाश से, कैसे दूर हुआ जाए इस विनाश से? उत्तर एक ही है, करुणा। एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, एक दूसरे के दुख में साथी बने, एक दूसरे के सुख में भागी बने, और अंत में जब ये मैं हम में परिवर्तित होगा तब ये विनाश स्वयं ही दूर होता जाएगा। तो इस हम में विश्वास रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सतरंगा, मन भाव। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष बनता कैसे? होता यूं है कि जब वर्षा की बूंदों से प्रकाश होकर निकलता है तब वो अपने वास्तविक सात रंगों में विघटित हो जाता है, और तब हम इस इंद्रधनुष को देख पाते। दूसरा प्रश्न, ये इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों से ही क्यों बनता है? कारण है शुद्धता। वर्षा की बूंदें शुद्ध होती हैं, आकाश से धरती की ओर गिरती हैं, किंतु स्वयं के लिए नहीं, धरती की प्यास बुझाने के। और इसीलिए तो प्रकाश जैसे वेगवान तरंगों को विघटित कर जाती है, उसकी वास्तविकता सामने लाती है। यदि आप भी शुद्ध मन से परोपकार करोगे, औरों के लिए जियोगे, तो विश्वास कीजिए कोई आपको छल नहीं पाएगा। बड़े से बड़ा प्रहार टूट जाएगा यदि आपके मन में प्रेम की शुद्धता है। राधे राधे। आइए आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया।
वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहां? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया, वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता राधे राधे। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता तो कोई मुझे माखन चो। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता, किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है। व्यर्थ तो ये नाम है। यदि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला, आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच, अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये ढाई अक्षर शब्द, प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। राधे राधे। राधा मुझसे कई बार पूछती है, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या? दाऊ भी समझ नहीं पाते। आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि अंतर क्या है इस मोह में और इस प्रेम। चलिए बड़ी सरलता से मैं आपको ये समझा देता हूं। एक और स्मरण कीजिए, एक मछली का जो जल में रहती है वहीं क्रीड़ा करती है। कभी गर्मी के कारण यदि वो जल सूखने लगे
तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती, वहीं रहती। भले ही जल कम होने के कारण वो वहां पर तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दे, स्थान नहीं त्यागती। दूसरी ओर होता है भवरा, जो किसी पुष्प के आसपास केवल तब तक मंडराता है जब तक उस पुष्प में रस हो। वो रस लुप्त, वहां वो भवरा लुप्त। तो जो अंतर एक भवरे में और मछली में, वही अंतर है मोह में और प्रेम। जो बिना कामना के, बिना लालच के किया जाए वो प्रेम, और जो कुछ पानी की अपेक्षा से किया जाए वो मोह। इसलिए त्याग दीजिए इस मोह को और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। जीवन में कई सारे लोग धन और बल से मूल्यांकन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, स्वयं का भी दूसरों का भी। पर कई बार धन और बल अर्जित करने की इस प्रक्रिया में हम समय, संबंध और स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। सोचते हैं कि एक बार हमने धन और बल अर्जित कर लिया, उसके पश्चात समय भी हमारे अनुसार चलेगा, संबंध में और मधुरता भी आएगी और स्वास्थ्य भी हमारी मुट्ठी में होगा। किंतु इस धन के कारण जब हम इन तीनों को खो देते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने निर्धन थे। फिर उसके पश्चात संसार का सारा धन एकत्रित कर लीजिए, फिर भी आप अपना खोया हुआ समय पुनः नहीं ला सकते, ना वो संबंध ना वो स्वास्थ्य। इसलिए इन तीनों का मूल्य समझ लीजिए इससे पहले कि विलंब हो जाए। राधे राधे। बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अब इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, सीढ़ियों की। अब इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा। हम जब तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, यदि किसी को पीछे छोड़ दे तो क्या उसे देखकर हम उसे हीन समझ लेते हैं? क्या उसे हीन दृष्टि से देखते हैं? यदि किसी को धक्का देकर हम आगे बढ़े तो क्या उसे देखकर उसका उपहास बनाते? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये बहुत बड़ी भूल। आप सीढ़ियों में जिनसे भी मिले मधुर संबंध बनाए रखिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखिएगा, विनम्र रहिएगा, क्योंकि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं स्मरण रखिएगा उसी सीढ़ी से पुनः आपको नीचे भी उतरना है। यदि ये सीढ़ी ही ना रही तो अपनी विजय का उत्सव अवश्य मनाए, किंतु जो पीछे छूट जाए उसका उपहास कभी मत बनाए। राधे राधे। जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी, और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग के फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट दें, अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता, किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए। तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दें,
तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है गंगा जल को। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। तो इस संसार में, इस जीवन में आपके विचार शुभ रखें, शुद्ध रखें, आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।